हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है 13 अप्रैल 2022 और अभी 8 बज रहे हैं रात का, आई मीन शाम का भी बोल सकते हो। तो कल है 14 तारीख, कल हमारे एक सीनियर सर का बर्थडे है जो कि हमारे हॉस्टल के वाइस प्रिफेक्ट हैं, उनका कल बर्थडे है। तो उनके लिए हमने केक मंगा लिया है, एक सर जो कि बाहर गए हुए हैं तो उनसे हमने केक मंगा लिया है। फिर 12 बजे केक काटेंगे, फिर सर को बर्थडे विश करेंगे। तो दोस्तों, केक जो है अभी आने ही वाला है, तो मैं सोचा कि रूम से इधर नीचे रिसीव करें, गुड इवनिंग भाई, रिसीव करने आ जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सर लोग आ रहे हैं और फिर उनसे मिलते हैं। सर सर सर, ले आए सर? हाँ। तो कि कहाँ से ला रहे हैं सर? कपूर बेकरी। अच्छा, किस में आए सर, मतलब ऑटो? ऑटो से जाना पड़ा यार, गाड़ी ढूंढ रहे पर गाड़ी मिला नहीं। हाँ, तो सर इसको ये तो पिघल जाएगा, रात को काटेंगे तो फ्रिज में डालेंगे। फ्रिज में डालते हैं। इसमें क्या क्या है सर थैले में? इसमें केक है और ये क्या ब्लास्टर है? हाँ, ब्लास्टर है और ये टॉफी वगैरह लोग के लिए। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है सर। स्प्राइट है, स्प्राइट है। तो अभी इसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि रात को कटेगा, तब तक बहुत टाइम है अभी, फिर पिघल विघल ना जाए। क्या है, फ्रेश क्रीम है तो पिघल ज़्यादा नहीं करते। आप लोग को आज मेस भी दिखाऊंगा मैं, बहुत सही मेस है अपना। अभी कटहल सब्जी बना था, इतना बच्चा भी होगा तो दिखाऊंगा, इतना तेल था, इतना तेल था, मैं उसको बचा के रख लेंगे, उससे मैं सुबह का मैगी बन जाएगा मेरा, है ना। ये बच्चा होगा तो दिखा रहा हूँ ये, अरे यार तेल ही बचा है। देखो गाइस, हमारा जुगाड़ हॉस्टल का, हम लोग इसमें पानी रखते हैं और पता नहीं उसको निकाल के कैसे निकाल। चिड़ी भी का निकाल। हाँ सब हॉस्टल लोग पानी रखते हैं पीने के लिए। और ब्रो, हो गया खाना पीना? हो गया सर। जिन सर का बर्थडे है उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? अरे रोशन सर का बर्थडे है तुम्हारे, रोशन हमारा वाइस प्रिफेक्ट है। वाइस प्रिफेक्ट सर तो मैं मेंशन किया था, मतलब उनके उनकी उनके बारे में कोई खास बात? खास बात ये है कि बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, अरे यार बताता नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग चाहेंगे कि सर को जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मिल जाए, है ना, ताकि वो भी लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाएंगे। सर कल रोशन सर का बर्थडे है, तो आप कुछ बोलोगे उनके लिए, कुछ स्पेशल मैसेज? बहुत अच्छा बंदा है, सबको हेल्प करता है बेचारा, मस्त है। ये तो है, खुश रहे यार, और जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर बच्चों को हम लोग खिलाएंगे। भाई अभी चलिए एक और सर से मिलते हैं जिनका हाल ही में बर्थडे था, 10 अप्रैल 10 अप्रैल। तो आज सर से मिलते हैं। सर आपको तो फिर से एक बार और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। बिलेटेड भी है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर साथ में नहीं रहेंगे। कल आपके परम मित्र का बर्थडे है, तो कुछ स्पेशल मैसेज दोगे सर को? कहना चाहूँगा बस भाई, सक्सेस हो भाई अपना। ये तो है भाई, क्या तो होना ही जरूरी चाहिए, जरूरी है। और भाई के लिए अपने बिहारी बाबू के लिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अच्छी खासी, जरूरी। सर आपका चश्मा बहुत है, कर है क्या कोई खास बात सर चश्मा के पीछे? कोई स्पेसिफिक रीजन है इसीलिए? अच्छा, गिफ्टेड है क्या सर? हाँ बोल सकते हो, बहुत सही, नहीं इसीलिए अच्छा हो चमक। और सर आप ऐसे ही एकदम हंसते रहते हो, आपके ये पीछे का राज मेरे को बता देते तो अच्छा रहेगा। ये दर्शक लोग को भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहिए, बिल्कुल सर। आप तो वैसे मेरे सेमी रूममेट हैं, सेमी बोल के स्कीम बता दो। फिर आप कुछ बोलेंगे? मैं रोशन के लिए ना, सर के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, तो साहित्यकार अपना भाई है, कल्चर को वहाँ से कॉम्प्लीमेंट। अरे सर सर सर, और ट्विटर पे डाल गया है पता है वो? गर्ल्स हॉस्टल भी गए थे सर, उन लोग ग्रीन ग्रीन टी शर्ट पहने हो सर, क्या खास बात है आप लोग के बीच, इतना भी बॉन्डिंग है मेरे को पता नहीं था। सर ये आपका जो चश्मा है ये पावर वाला है मेरा? हाँ हाँ। अच्छा सर, सर तो और कल सर का बर्थडे है, मत पूछना उसका, मैं वो रीज़न समझ सकता हूँ मैं। क्या ये
रोशन है जो कि वो हॉस्टल में सब काम वाम करवाने वाला पार्टनर है मेरा। बासम भैया के पास जाते हैं, केटी के पास जाते हैं, नुसर सर के पास जाते हैं, एक साथ सब काम वाम देखते हैं। और इनके बहुत करीब है, साथ में कॉलेज जाते हैं। मेरा तो भाई गोल है 2025 तक UPSC निकालने का, बहुत बड़ा गोल है, लिखा भी इधर लिखा भी होगा ये अच्छा UPSC 2025। तो हम लोग भी प्रे करेंगे गॉड से और चाहेंगे कि सर का ये UPSC 2025 क्यों 2023 या 2024 में ही क्लियर हो जाए। फुल एक नंबर भाई, उसके साथ रहेगा तो भाई बोर मौज है। इतना तगड़ा बंदा है, क्या बहुत अच्छा बंदा है। हाँ सर, हम लोग भी क्या, हम लोग जूनियर्स हैं तो सर लोग के साथ उतना थोड़ा सा अलग रिलेशन है सीनियर जूनियर वाला। लेकिन हाँ, इतना तो पता चल गया कि सर का दिल के बहुत अच्छे हैं और उनसे उनके सीखने को बहुत कुछ मिलता है और अच्छा लगता है उनका कंपनी सर का। और सर लोग जाएंगे तो काफ़ी मिस करेंगे हम लोग। लव यू सर। और ये अमन भाई केक को ओपन करते हुए देखते हैं केक कैसा है। ओ माय गॉड, सर हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है आपके रूम पार्टनर का बर्थडे? आज पिटने का मौका मिला है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है सर, आपके दोस्त लोग आपके लिए इतना प्लान करे, केक वेक लाए तो काफी हैंडसम दिख रहे हो सर इस वक्त केक वाले में। हाँ सर, वन सेकेंड, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर 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 सर, हैप्पी बर्थडे सर। हाँ सर, आ जाओ आ जाओ।
पूरा नाचने के लिए इतना तैयारी करा जा रहा है, क्या बताऊं, पूरा टेक्नीशियन लोग भिड़े हुए हैं। हालांकि ब्रांच माइनिंग है, ब्रांच है लेकिन अभी पूरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैठे हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं बैठ के यहाँ पे मैं। ये कुछ ऐसा है अंदर से सीन इसका, हम लोग को वायर जोड़ना इधर के द्वारा इसको काम में सक्सेसफुली ठीक कर दिया गया है। यही तो है अभी, ऐसे तो था ब्लूटूथ ऑन, अभी हिल जुड़ गया बन गया। यस सर, कौन बनाया? जय भैया। अरे जय जैसे कि ये पोस्टर में KGF का जो है पोस्टर दिख रहा है, KGF 2, ठीक इसी को हम लोग देखने आए हैं यहाँ पे सुबह सुबह आज, और रात को काफ़ी लेट तक डांस करे थे हमें पूरा बैच वाले लोग, सर लोग माला पहन ले हो गए। जय KGF। स्क्रीन बस साउंड क्वालिटी सही रहे, मजा आ जाता है। तो दोस्तों अभी मूवी जो है, अभी जस्ट मूवी से निकले हैं, पूरा क्या बोलो यार, इतना एनर्जी था भाई मूवी में, और बहुत अच्छा मूवी था, आप लोग देखो, जरूर देखो। सबको भूख लग रहा है लेकिन पैसा किसी के पास नहीं, तो हॉस्टल का जो भी चना दाल बना होगा वही खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि सब आधे नींद में है। लेकिन मूवी के लिए जो सीखना था कि एक मिनट भी पलक ही चुका है कोई, हारा रात कुछ नहीं था, कुछ नहीं। देखो भाई तुम देखो यार, देखो मूवी, मेरे को कैसा लगा मूवी, अभी टिकट नहीं मिलेगी तो हम लोग अभी और देखने वाले। कैसा लगा आपको कि मूवी, कैसा लगा एक ही वर्ड में बोलना, एक वर्ड में शानदार शानदार गजब सर, एक वर्ड में
मास्टरपीस सर सर एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, आपको अगर 10 में से रेटिंग देना हो कितना रेटिंग दोगे? 10/10 सर, आप जो भी बोलते हैं सब एकदम तबाही रिकॉर्ड कर देता हूँ। सर सर कैसा लगा मूवी? अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा। ऐसा अभिषेक ब्रो, ये हमारे एक और यूट्यूबर मेरा हॉस्टल मेट है, ये भी यूट्यूबर है, रैपर है, यो यो ब्रो। तो कैसा लगा तेरे को मूवी यार? वो बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर। ये अपना भाई है रैपर आयुष, इसका भी नया प्लेलिस्ट आया, तो भाई का प्लेलिस्ट जरूर सुने और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। पिक्चर कैसा लगा हम लोग को? पिक्चर तो तगड़ा था। पीछे बंटाई लोग आ रहे हैं, अपने भाई लोग, ये अपना क्रू ब्रो, ये अपना कॉलेज। मैं एक बार अपने भाई ब्लॉगर से मिलाना चाहूंगा जिसे आप लोग मिलते आ रहे हैं, लेकिन नमस्कार, मैं इसका नमस्कार, नमस्कार, सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, जो भी हूँ आज के डेट पे, हालांकि कुछ नहीं हूँ लेकिन बनना है। बनेंगे बनेंगे जरूर बनेंगे भाई, धन्यवाद। अतुल ब्रो, अतुल कैसा लगा पिक्चर? कैसा लगा चैप्टर वन? ज्यादा अच्छा था ऐसा, इसमें ज्यादा मार काट डर लगता है? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जो भी था, लेकिन अपने को तो मजा आया, पैसा वसूल मूवी था और उम्मीद करते हैं कमाएगा भी ज़्यादा। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी अपने जूनियर हॉस्टल फर्स्ट ईयर का एक यूट्यूबर है, इसके चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब करो उसको एंड इसके वीडियोस को प्यार दो जैसे हमारे वीडियोस को आप लोग देते हो। और ये सारे जूनियर भाई लोग हैं, एक बार हाय बोलो यार सबके सब, है ना? कब जा रहे हो तुम लोग घर? तू भी आई इधर? अच्छा कल जाओगे? रुके क्यों थे मूवी के लिए बस? अरे यार देखो यार, इतना प्यार रहना चाहिए, बस यही डेडिकेशन चाहिए।